Kasturi, introduce yourself. Celebrate सॉरी brief. सर, Introduce yourself. क्या आपको कसूई जी? सर आवाज आ सर रही मेरी? जी, सर आ रही है सर। ओके okay. सर मेरा नाम कस्तूरी कुमारी है। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सरकारी स्कूल से की थी। वहां से मैंने मैट्रिक पास किया है और मैं 2009 में LLB कंप्लीट की। उसके बाद मैंने तैयारी किया पर मैं सफल नहीं हो पाई सर। जुडिस स्टडी की तैयारी की थी लेकिन सफल नहीं हो पाई और 2017 में मेरी शादी हो गई थी सर। फिर मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई। फिर मैंने 2020 में फिर से तैयारी शुरू की और मैंने 21वीं मेंस ली थी पर उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाई सर। फिर मैंने दो APO का मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दे रही हूँ सर। LLB आपने कब किया? क्या बताया आपने? 2009 में सर। 2009 में हुआ है LLB आपका. उसके बाद आपने कोई एकेडमिक नहीं और सर आगे की मैंने पढ़ाई नहीं करी है? किया। नहीं सर मैं तैयारी कर रही थी पर मैं सफल नहीं हो पा रही थी सर। 3-1-2 नंबर से रह जा रहा था। 17 17 में शादी हो गई थी सर। तो इस बार क्या लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी है? मेरे अच्छे रहे हैं सर। मुझे लगता है मेरे अच्छे नंबर आए होंगे। कौन सा पेपर आपका सबसे अच्छा गया? सर ऐसे तो मेरे पेपर सारे अच्छे रहे हैं सर और थोड़ी CRPC में थोड़े कम हो सकते हैं सर। थोड़ा जी सर थोड़ा अच्छा हुआ है. थोड़ा मतलब सर मैंने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे हैं। एक क्वेश्चन मेरे से थोड़े कम रह गए। मेरा प्रश्न क्या था? कौन से पेपर आपके अच्छे हैं? कौन से पेपर के एग्जाम अच्छे गए हैं? सर तो सारे पेपर्स अच्छे ही हुए हैं आपके. ठीक है, मुझे ये बताइए, आप जो है अभी क्या होती है? तो अपील क्या है? अपील अपील एक राइट है हम लोगों का। जब निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो वो अपील में जाते हैं सर। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में हम लोग अपील कर सकते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट में. जनरल प्रोविजन तो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में ही अपील करते हैं। अपील का जो राइट है आपका, वो कैसा राइट है? तो सर ये लीगल राइट है सर। लीगल राइट है, तो आपका लीगल राइट है, तो हर मामले में आप अपील कर सकती हैं. नहीं जहाँ सर विधि के द्वारा जो प्रावधान किया है जिन मामलों में हम अपील कर सकते हैं सर उसमें हम लोग अपील कर सकते हैं सर। पर अपील है क्या? मेरा प्रश्न ये था. परिभाषा है या अपील की? सॉरी सर अच्छा, सीआरपीसी में ऐसा प्रोविजन है कि जो केसेस आपके अपीलेबल हैं वहीं पे अपील की जा सकती है जी सर। ना? तो ऐसे कौन से मामले हैं जिन मामलों की अपील नहीं हो सकती है? सर 125 मेंटेनेंस के अंतर्गत हम लोग अपील नहीं कर सकते। 125 के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते. नहीं सर साहबानों का केस पढ़ा है आपने? अहमद खान वर्सेस इंसा बानो बेगम से। तो जी सर। कहां तक गई थी वो मामला? सर वो रिवीजन में आई थिंक कर गई थी। अच्छा, अपील में नहीं गया था वो. अच्छा, और कौन से मामले हैं जहां पे अपील नहीं कर सकते हैं आप? सॉरी सर। सौदा अभिवाद समझती हैं क्या है? क्या जी सर। सर ये सौदा विवाद दो पार्टी के बीच में अगर एक्यूज्ड अपने अपराध को स्वीकार करना चाहता है और अपोजिट पार्टी जो पीड़ित पक्षकार है उनको कुछ प्रति हेतु यानी कंपनसेशन देता है सर
कोर्ट उन लोगों के बीच में सुलह करके उनकी पनिशमेंट को कुछ कम कर देती है, जितना पनिशमेंट निर्धारित विधि के द्वारा उसको कम कर करके उन लोगों के बीच में सुलह हो जाता है और उनके पनिशमेंट को कम किया जाता है। ये सारे मामलों में हो सकता है। नहीं सर, ये कुछ मामले हैं सर, जैसे अगर 21 वर्ष से कम आयु का कोई है अभियुक्त और वो मृत्यु दंड या कारावास का अपराध नहीं किया है तो उन मामलों में हो सकता है, और अगर कोई 21 वर्ष से कम का है, कोई महिला है, तो उन मामलों में भी सर अविवाह सौदाबाजी होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात किया गया। सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं? सर, जहाँ पर हम लोग प्राइमरी एविडेंस नहीं दे सकते वहां पे सेकेंडरी एविडेंस देते हैं। जैसे अगर प्राइमरी एविडेंस लोग दस्तावेज है, कोर्ट नहीं लाया जा सकता है, तो वहां पे हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस जब मूल प्रमाण पत्र नष्ट हो गया है, खो गया है, तो उसके एवज में सर हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। मेरा प्रश्न सुने आप, मैंने कहा होते क्या है, आप वो बता रही हैं कि कहाँ दे सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस। दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। मेरा प्रश्न ये है कि सेकेंडरी एविडेंस है क्या? सर, सेकेंडरी एविडेंस वो होता है सर जो प्राइमरी एविडेंस के अभाव में दिया जाता है, इसे सर सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे एविडेंस है जिन्हें हम सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में रखेंगे? सर मूल, जैसे मूल प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां होती है, मूल प्रमाण पत्र से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां होती है, फिर सर किसी व्यक्ति के द्वारा मौखिक वितरण होता है जो उन मूल दस्तावेज को देखे होते हैं, उनके द्वारा कही गई कथनें, एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई दस्तावेज, ये आते सर सेकेंडरी एविडेंस में। समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर समन ट्रायल में चार्ज फ्रेम नहीं होता है, जबकि वारंट ट्रायल में चार्ज फ्रेम होता है। और तो समन ट्रायल में अभियोजन के लिए को 2 बार साक्ष्य दिया जाता है, एक जब प्राइमरी स्टेज में वहां से प्रारंभ होता है सर, अभियोजन अपना साक्ष्य देती है और आरोप लगाती है अभियुक्त पे, जो भी है उनका वर्णन करती है, और उसके बाद भी 2 बार अभियोजन अपना साक्ष्य पेश करती है, जबकि वारंट मामले में सर एक ही बार अभियोजन के द्वारा साक्ष्य दिया जाता है सर। क्या समन मामले को वारंट मामले में चेंज किया जा सकता है? जी सर, किया जा सकता है, जब 6 महीने से कम, न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि 6 माह से कम का मामला है, तो समन मामले को वारंट मामले में तब्दील की जा सकती इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, है। सॉरी सर, वारंट मामले को समन मामले में चेंज किया जा सकता है? सॉरी ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे बेल देना मैंडेटरी हो जाता है? कौन कौन से कंडीशन है, ऐसा प्रोविजन बता दीजिए मुझे जहां सर, जहां पे बेल। 436 जमानती मामलों में जमानत राइट होता है सर, जैसे आईपीसी 323 के 236 अंतर्गत, में है ये फोर जमानत? थर्टी सिक्स सर, फोर 436। थर्टी गुड, सिक्स जी जी सर। ओके। और फिर जैसे आईपीसी की धारा 323 जमानती मामला है, तो वहां पे जब बेल लिया जा सकता है, तीन नहीं, वो तो आपने सौ चार सौ तेईस छत्तीस बता दिया, तो जो भी सर वो अवेलेबल होगा वहां पे प्रोविजन है अपॉइंट चार। करें। जी जी सर, हाँ, वहां और पे कौन से प्रोविजन है सीआरपीसी में जहां जहां पे बेल दिया जाना मैंडेटरी होता है कोर्ट के लिए? ये तो आपने एक प्रोविजन बताया। सॉरी सर, कंडीशनल बेल क्या होती है? सर कंडीशनल बिल, जब कोई रेगुलर बिल दिया जाता है सर और उसमें कंडीशन लगाए जाते हैं, जैसे कि पुलिस जब भी बुलाएगा अभियुक्त को तो वो उसमें प्रेजेंट होना होगा,
कोई भी उससे संबंधित दस्तावेज या व्यक्ति को वो धमकी या हानि नहीं पहुंचाएगा, ये सारी कंडीशन लगा करके बिल दिए जाते हैं, तो उसे सर हम लोग कंडीशनल बेल कहते हैं। किन मामलों में दिया जा सकता है कंडीशनल बेल? सर बेलेबल ऑल ऑफेंस में भी दिया जा जमानती सकता है? कंडीशन लगाई जा सकती है बेलेबल ऑफेंस में? नहीं सर, नॉन वेलेबल ऑफेंस में से और एंटीसिपेटरी बेल में दोनों की कंडीशन में लगाई जा सकती है। से। जी कोई ऐसे लैंडमार्क केस बताइए जहां पे ऐसे कोई गाइडलाइन प्रोपाउंड किया गया हो कंडीशनल बेल के लिए। रिकॉल अरेस्ट पे ऐसे कोई लैंडमार्क केस बताएं आप, नहीं हो पा क्या है रहा सर। डीके वसु का केस में क्या प्रोपाउंड हुआ था? सर उसमें अरेस्ट करने के कुछ नियम बताए गए थे, जैसे पुलिस अधिकारी जब किसी को अरेस्ट करने जाता है तो पहले वो उसको सूचना देगा कि आपके अगेंस्ट ये मामला है, और जाने के बाद अपने नाम का परिचय देगा, अरेस्टेड पर्सन को बताएगा कि आप किस मामले में से अरेस्ट किया जा रहा है, उसको बताएगा कि आपको जमानत से छूटने का राइट है, ये सारे गाइडलाइंस उसमें दिए गए थे। सर गुड। और कोई केस अभी जो रिसेंटली आई है? ठीक सॉरी सर, अभी जो नया सीआरपीसी आया इसको आपने देखा है? जी सर मैंने नागरिक देखा है। सुरक्षा जी। जी सर मैंने देखा चलिए, है। तो प्रोसिक्यूशन के बारे में कहाँ प्रोविजन दिया गया है इसमें नागरिक सुरक्षा संहिता में? सर मैंने बस कब क्या है, कितनी सेक्शंस वगैरह हैं सर, वो मैंने देखा है, फिर तो अपडेट नहीं। प्रोसिक्यूशन कहाँ पे है, किस हेड में? सॉरी सर, कितने सेक्शन है इसमें? ट्वेंटी टू सर आई थिंक। चैप्टर्स कितने हैं? सॉरी चलिए, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। आईपीसी में सबसे ज्यादा सहज और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप किस टॉपिक पे होती हैं? सर जनरल एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शन। तो मुझे बताइए वहां पे लिखा हुआ है कि ऐसी कितनी कंडीशंस दी गई हैं आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जहां आप डेथ वॉच कर सकती हैं? कॉल सर पार्डन मैंने आपसे पूछा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ऐसी कितनी कंडीशंस हैं जहां पे डेथ वॉच किया जा सकता है? सर, उसका प्रोविजन 100 में दिया गया है सर। मेरा प्रश्न फिर से सुन लें आप एक बार। मैंने कहा कि कितनी कंडीशंस हैं कि जिस पर डेथ कॉज की जा सकती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए? सर इसमें दो प्रोविजन है सर, एक प्रॉपर्टी के विरुद्ध में 5 ग्राउंड है सर, और बॉडी के विरुद्ध में 8 ग्राउंड है जहां पे डेथ पार्ट किया चलिए आप बताइए, आठों ग्राउंड गिना दीजिए जरा। नंबर वन, सर। हाँ, सेक्शन जो 100 में दिया गया, जब कोई हमला मृत्यु तारीख करने के आशय से किया गया हो तो उसमें प्राइवेट डिफेंस में मैं सामने वाले की हत्या कर सकती हूँ सर। दूसरा है सर, जब हमला घोर उपहत्ति कारित करने के लिए किया गया हो, जब हमला व अपहरण के लिए किया गया हो, जब हमला रेप के लिए किया गया हो, जब हमला प्राकृतिक के विरुद्ध काम तृष्णा की पूर्ति के लिए किया गया हो, जब हमला सदोष परिरोध के लिए किया गया हो, जब हमला अम्ल एसिड अटैक के मामले में भी किया गया हो। ये अभी सात हुआ, आठवां कौन सा है? रिकॉल नहीं हो पा रहा सर। कोई नहीं है, सात ही। ओके और आपने प्रॉपर्टी अगेंस्ट पांच बताया, पांचवा कौन सा है?
जब चोरी चोरी के दौरान किया गया हो, लूट कर, हमला, डकैती, चोरी के दौरान भी यदि आप डेथ कॉच कर सकेंगी? सर जब लगता है कि वो मुझे मेरे पास अवसर नहीं है लोक सेवक का सहायता लेने के लिए, और लग रहा है कि वो मुझे चोरी के दौरान इस तरह से हमला कर रहा है कि मेरी लाइफ खतरे में है, तो मैं उससे डेथ कॉच कर सकती हूँ। चलिए, तो एक कंडीशन रॉबरी की हो गई, दूसरी कंडीशन थेफ्ट, जब आपको एप्रिहेंशन है कि आपकी डेथ कॉज हो सकती है। अगेन सॉरी चलिए, यहाँ पे आपने असॉल्ट वर्ड यूज किया है, असॉल्ट बता दीजिए क्या है। सर, जब कोई व्यक्ति अंग विच्छेद या तैयारी के द्वारा किसी व्यक्ति पर इस आशय से बल का प्रयोग करता है कि सामने वाले को यह आशंका हो जाए कि उसके आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है, तो उसे हमला कहते हैं। अब एक जेल है, जेल के अंदर एक प्रिजनर जो है वो बंद है, डिप्टी जेलर साहब जो है वो गश्त लगाते हैं और अंदर से वो घूंसा उनके ऊपर उठाता है, ये असॉल्ट होगा? तैयारी कर रहा है पूरा। सर शब्द और अंग विच्छेद दोनों होने चाहिए। हाँ, तो वो बोलते हुए अंदर से, लॉकर के अंदर से ही जो है वो कहता है कि मार दूंगा, और वो घूंसा भी उठाता है उनकी तरफ से। नहीं सर, ये नहीं होगा क्योंकि वही वहां पे वो बंद है सर, क्यों, और वो जेलर सर को ये नहीं लगेगा कि उससे वो मार सकता है। वो ऐसे सिचुएशन जैसे ही लगने वाला होता है कि कोई मार ही देगा सर, तभी वो होता है ऐसा। वहां पे वो बंद है तो ये कर नहीं सकता। मतलब ये लगना चाहिए कि वो एक्चुएट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। जी सर, जी जी सर, चलिए, थैंक यू कस्तूरी, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। जयसवाल जी, जयसवाल सर, जयसवाल सर, सॉरी सर, नमस्ते कस्तूरी जी, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। पहले आप अपने नाम का अर्थ बताइए। सर एक ये हिरण के नाभि में पाए जाने वाला सुगंध है सर, जिसका मतलब होता है कस्तूरी। ओके, आप तो लॉयर हैं, आपको खूब स्पेसिफिक होना चाहिए। सभी हिरणों में पाया जाता है ये? नहीं सर, ये कश्मीर में पाए जाने वाले हिरणों में पाए जाते हैं। और कश्मीर में पाए जाने वाले मेल और फीमेल दोनों हिरण में होता है? नहीं सर, आई थिंक मेल में होता यस। तो आप फिर से बोलिए अपना वाक्य, जैसे एक वकील को बोलना चाहिए। अब मैं पूछूं कस्तूरी का अर्थ बताइए, तो आप बताइए। है सर। ये कश्मीर में पाए जाने वाले मेल हिरन के नाभि में पाए जाने वाली सुगंध बिल्कुल है। सही। सॉरी सर। और सुगंध है तो किसी पदार्थ से आती होगी वो। सॉरी सर। उसके विषय में ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। मृग, मृग से याद आया, मृग के साथ एक और शब्द इस्तेमाल होता है, मरीचिका। जी मरीचिका उसको क्यों कहते हैं? पर्यावाचिक शब्द मरीचिका का अर्थ क्या होता है। सॉरी सर। है? ओके, ठीक है। एक बात बताइए कि जो आत्महत्या है, जैसे कुछ और ऐसे संगीन जो अपराध हैं और बहुत ही हीनस क्राइम्स हैं, जिनको कहा जाता है कि इट इज अ क्राइम नॉट ओनली अगेंस्ट एन इंडिविजुअल बट क्राइम अगेंस्ट द स्टेट या सोसाइटी एट लार्ज, तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि आप आत्महत्या की कोशिश जो है अगर उसको देखें, आत्महत्या का प्रयास, तो क्या वो भी समाज के प्रति अपराध की श्रेणी में आ सकता है? हाँ, सकता है क्योंकि आत्महत्या करना भी तो अपराध माना गया है सर आईपीसी के अंतर्गत, तो ये भी राष्ट्र के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं। आत्महत्या करना अपराध है या आत्महत्या का प्रयास करना अपराध है? सर प्रयास करना। तो आप जरा सोचिए, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से, कि आत्महत्या का प्रयास करना समाज के प्रति अपराध है या समाज के द्वारा किया गया अपराध है?
सर, इसमें मेरे विचार से सर दोनों बातें हैं, क्योंकि कोई भी इंसान आत्महत्या तब करता है जब कहीं ना कहीं कोई स्थितियां उत्पन्न हुई होती है समाज के द्वारा दी गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस ठीक है, ठीक है, आप एलेबोरेट ना कीजिए, मुझे बस आपका संतुलन देखना था। अच्छा भाई, तो आत्महत्या का प्रयास जो व्यक्ति करता है उसके लिए दंड का भी प्रावधान है जी सर, प्रावधान है। और उसमें कोई समस्या भी है उसको दंडित करने में, जिसकी वजह से उसको अब नए वाले आईपीसी में से हटा दिया गया है, ये आप जानते हैं कि हटा दिया गया है? ओके जानना चाहिए, जानना चाहिए। करंट अफेयर्स अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक, सर, हाँ ओके, ठीक है। फिर अगर ये जो दहेज के प्रति, दहेज के विरुद्ध जो कानून है, आप क्या यह बात आप मानती हैं, इससे सहमत हैं कि इसका उपयोग कम और दुरुपयोग अधिक हो रहा है? से सहमत और आपके पास क्या डेटा है इस बात को कहने के लिए? हूँ सर। मैं जहां तक आए दिन सर डॉरी केस के बहुत सारे झूठे केस किए जा रहे हैं। नंबर्स है आपके पास, स्टैटिस्टिक्स है ये कहने के लिए कि दुरुपयोग अधिक और सर उपयोग कम हो रहा है? डेटा डेटा कलेक्ट नहीं है सर, सॉरी। नहीं है, लेकिन आपका परसेप्शन है जो समाज से जी सर, सुनते होंगे, है ना? तो जी ठीक है, सर, ठीक है, देखे आई भी आई थोड़े कैन बहुत अग्री। मिलते हैं सर। जी सर, ठीक है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर व्हाट्सएप चैट हुई हो, व्हाट्सएप पे बातचीत हुई हो और फिर जी उनमें सर, कोई अनबन हो जाए किसी बात को जी लेकर, सर, मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, क्या वो चैट एडमिसिबल एविडेंस है? नहीं सर, क्यों नहीं है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 122 में बताया गया है कि पति पत्नी के बीच में विवाह के दौरान हुई कोई भी बातें उसको कोर्ट के समक्ष ना तो वो प्रकट करेगी और ना कोर्ट उसको बाउंड करेगी प्रकट करने के लिए। भले ही उनकी शादी भी टूट जाती है या तो भी उस दौरान जो भी उन लोगों के बीच में बात हुई है वो प्रकट नहीं कर सकते हैं वो, बहुत ही बढ़िया। जब तो तक फिर कि वाइफ उन लोगों के कैसे बीच प्रूव में करेगी? अगर सर दोनों जब के बीच का तक डिस्प्यूट सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने हमको व्हाट्सएप पे गाली गलौज किया, तो ये कैसे प्रूव होगा फिर कोर्ट में? सर अगर उन दोनों के बीच में विवाद होती है तो फिर उनको ये राइट मिल जाता है कि वो कर सकते हैं कोर्ट में प्रूव। तो आपने प्रश्न सुना नहीं मेरा ध्यान से, और मैंने पूछा ही क्या था, यही तो पूछा था कि अगर दोनों के बीच फिर बाद में अनबन हो जाए, ओके सर, सॉरी मामला कोर्ट तक पहुंच जाए। एकदम सही जवाब है आपका, लेकिन उसमें एक पॉइंट आप मिस कर रही हैं कि जस्ट बिकॉज ये सर, पति पत्नी के सहमति बीच। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हस्बैंड की सहमति से भी प्रकट किया जा सकता नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसमें सहमति की आवश्यकता नहीं है, वो तो दूसरा है कि मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि सिर्फ इसलिए कि वो हस्बैंड वाइफ के बीच का कम्युनिकेशन है, उनके कहने से नहीं हो जाएगा वो कम्युनिकेशन, उसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हाँ ये जी उसी सर। व्हाट्सएप का बैकअप है और उसी का चैट है। तो दोनों चीज आपको बतानी चाहिए कि इसमें दो बाधाएं हैं, जी बाधाएं सर, क्या, एक तो बिल्कुल बाधा है ही नहीं, बस दूसरी ही बाधा है, तो पहले में तो कोई अड़चन ही नहीं है। ठीक है, आप एपीओ, आपको बना दिया जाए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, आपको एपीओ बना दिया जाए और उस कार्यवाही के दौरान, प्रोसिक्यूशन के दौरान, आपके अध्ययन के परिणाम स्वरूप कोई ऐसा तथ्य आपके संज्ञान में आता है जो दरअसल अभियोजन पक्ष के विरुद्ध है लेकिन है सच, है अभियोजन आपके केस के अगेंस्ट जाता है, स्टेट के प्रोसिक्यूशन के केस के अगेंस्ट जाता है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा है, आपके हत्थे लग गया है वो चीज, तो क्या आप अपनी सत्यनिष्ठा का परिचय देते हुए जज के सामने वो चीज लाएंगी, जी वो सर, बात मैं संज्ञान में लाऊंगी। उनको लाएंगी? ओके ओके। और लास्ट है मेरा कि आप विवाहित हैं? सर जी, मैं वाइफ थी सर, अभी हूँ विवाहित है आप? नहीं। मैं मैं सुन नहीं थी पाता। सर अच्छा मेरी 17 में हुई थी, पर ओके ओके, 2022 में मेरी तलाक हो गई सर। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो ये बताएं कि आप एक इस बात को मानती हैं कि जब आप एक महिला के रूप में प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करेंगी, तो अगर कोई महिला विक्टिम किसी केस में आती है तो उनको भी इस बात का लाभ होने की संभावना है कि आप एक एपीओ, महिला एपीओ हैं, और आपको भी इस बात का लाभ हो सकता है अपने केस में कि वो विक्टिम जो है महिला है, क्या इसमें कोई म्यूचुअल बेनिफिट, बेनिफिट मतलब इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं, केस को कोई इससे फायदा हो सकता है? सर जहाँ तक मैं महिलाओं
मेरा कर्तव्य तो दोनों के प्रति होगा सर, मेल और फीमेल दोनों के प्रति। पर हाँ, मैं महिला होने के नाते थोड़ी महिलाओं की भावनाओं की और स्थितियों को समझती हूँ, तो उनके प्रति मेरा थोड़ा ज्यादा ये होगा कि उनको कोई असुविधा ना हो जो कि न्यायालय में फेस करना पड़ता है महिलाओं को। थैंक एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बस मेरी तरफ से इतना ही सवाल है। आदरणीय सर से यू प्रार्थना है कि आगे। सर। थैंक यू कस्तूरी, सर। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन हाउ आर सर। यू डूइंग? ओके, थोड़ा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड को पूछ रहा, मैं जानना चाहता हूं कि आपने फैसला लिया जीवन में फिर से नौकरी वापस करने का, ये अपने पति से विवाह के विच्छेद के बाद लिया है, पहले आपका फैसला था ये? सर जब मेरी हेलो। शादी हो गई थी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ मेरी रही आ रही आवाज आ बेटा, आ रही रही आ है रही आ सर। रही। हाँ हाँ तो मेरी जब यहाँ शादी हो गई तो 2 साल मैंने, मेरा जो शादी का लाइफ था उसमें दिक्कतें आ रही थी, पर मैंने बहुत कोशिश की। तो संजोग था सर कि उस समय 2020 में 2 वैकेंसी आ गई थी, उसी बीच में एक 21वीं जे आई थी और एक सहायक अभियोजन पदाधिकारी की। तो मेरी पढ़ाई बीच में छूटी थी सर, कुछ नंबर से मैं रह जा रही थी। तो मैंने सोचा कि इधर क्या होगा ये नहीं पता मुझे, तो मैंने फिर से तैयारी शुरू किया। और ये एक रीजन भी है सर क्यों मैं, क्योंकि मैं अपने पैर पे अब खड़ा होना चाहती हूँ सर। मेरा सवाल कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया। सॉरी शादी सर। में दिक्कत आई होगी तभी तो डाइवोर्स हुआ, तो कोई खास अन्वेषण की आवश्यकता है नहीं। मेरा सवाल ये था कि आपने जब ये लगा कि हमारी विवाह में दिक्कत आएगी या मुझे अलग होना होगा, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, ये था फैसला, मतलब या पहले से, मतलब आपके अगर विवाह में दिक्कत ना थी कि आप स्वतंत्र होने का फैसला न करती? नहीं गौर सर, पर पॉइंट, यू गॉट माय पॉइंट? मैं समझ रही हूँ कि मेरी विचार कब बदली कि मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ सर। ये मेरी विचार तो पहले ही थी क्योंकि मैंने LLB की थी, तो मेरा इच्छा था कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ। लेकिन वहां पे मैं जाने के बाद मैं कंटिन्यू कर रही थी पढ़ाई, पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था सर। तो उस दौरान मैं, और ये जब स्थितियां उत्पन्न हुई, तो मैं और इसमें समर्पण के साथ तैयारी करना शुरू कर दी सर। ये सवाल आप जरूर तैयार करिए, क्योंकि ये सवाल एक चीज को जन्म देता है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट स्वयं बनना चाहती थी, शुरू बनना चाहती थी, या परिस्थितियों ने आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बाध्य किया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इशू। यह एक बहुत अच्छा सवाल है, यह आपके व्यक्तित्व से जुड़कर सामने आता है कि आपके पास सेल्फ इंडिपेंडेंट की चाहत शुरू से थी या समस्याओं के कारण आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए, दोनों ही सवालों के अपने अपने जवाब प्लस पॉइंट हैं। एक पहला जवाब क्या होता है कि नहीं, हम शुरू से सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली, जो आपके पास आंसर है कि मैं एग्जाम देती रही, मेरा प्री नहीं निकल रहा था। दूसरा, अगर आप ये भी आंसर करती हैं कि नहीं, जब मेरा विवाह टूटने लगा या मुझे दिक्कत आने लगी, डोंट माइंड, कोई पर्सनल इशू नहीं रहा बेटा, हम जस्ट तुम्हारे इंटरव्यू को मॉडरेट कर रहे हैं, ये सवाल उठ सकता है सर बिकॉज योर केस इज वेरी 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 डिफरेंट केस। तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारा जब विवाह विच्छेद होने के लगा, मुझे लगा कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तो मैंने ये फैसला लिया। तो ये भी बात क्या बोलता है कि परिस्थितियां विपरीत हो तो आपको खड़ा होना आता है। बच्चे हैं आपके? नो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड यू होप यू गॉट माई पॉइंट कि व्हाट आई वांट टू प्रिपेयर यू। आप बेटा क्या करना ना, इसी वीडियो को चला के फिर सुनना। ओके आई एम वेरी क्लियर टू एक्सप्लेन कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। सर। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, जरूर सुना होगा, जी सर, मैंने क्या सुना फर्क सर। दोनों में? सर विधि की भूल क्षम नहीं होती है और सत्य की भूल क्षम होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे सर कोर्ट प्रिजम्पशन करती है कि प्रत्येक नागरिक को कानून की जानकारी होनी चाहिए और है उनके पास, इस वजह से सर। कोई आदमी अगर कमजोर है, बेसहारा है, उसको कानून नहीं पता है, क्या उसके लिए ठीक है? ये गांव का आदमी है, गरीब आदमी है, जनजाति आदमी, उसके लिए ठीक है ये कानून? सर
इसमें और क्या ये कानून राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है? राइट इक्वालिटी क्या है? सबको लॉ मालूम है, यहाँ तो लॉ मालूम नहीं, उसका कोई दोषी नहीं है, उपेक्षित है, गांव में है, जनजाति है, पढ़ा लिखा ही नहीं है। मान लो उसने एक पेड़ काट दिया, फॉर एग्जाम्पल, लेट एग्जाम्पल, पेड़ काटना अपराध है ना? नहीं काट सकते आप, कोई अभी पेड़ काट ले गया, उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ, व्हाट द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू फ्रेम हियर, जो क्वेश्चन, जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, क्या वह इनइक्वालिटी को प्रमोट नहीं कर रहा है? जी क्वेश्चन समझ रही है? यू गॉट द क्वेश्चन? जी रिप्लाई। सॉरी जो ये रिजर्वेशन महिलाओं को 33% दिया जा रहा है, ये सर। क्यों क्यों दिया जा रहा है? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है सर, महिलाओं को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्योंकि समाज में जैसी हमारी भारत की इतिहास रहे है, कहीं ना कहीं महिलाओं की पिछड़ी स्थिति देखी गई है, तो उनको समानता का अधिकार के तहत बराबर लाने के लिए, उन जरूरत के बराबर लाने के लिए सर, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन वगैरह लाया जा रहा है। देखिए, एक विचारधारा क्या है कि रिजर्वेशन जो है वह देश की प्रगति को रोकता है। कैसे रोकता है? क्षमताओं का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता है, जी तो देश की प्रगति आवश्यक है कि हर आदमी को रिजर्वेशन देते जाओ, ये आवश्यक है। राष्ट्र आगे बढ़े, राष्ट्र को ज्यादा पैसा मिले, राष्ट्र ज्यादा उन्नति करे, राष्ट्र का विकास हो, आप सारी महिलाओं को, अब महिलाओं में इतनी काबिल महिलाएं तो मिलती नहीं है कि उनको टिकट दिला सके, क्योंकि चुनाव जीतना तो एक अलग प्रक्रिया है। तो ये देश के विकास के विरुद्ध नहीं जा रहा है? तो मुझे लगता है कि देश तो तभी आगे बढ़ेगी जब यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे सर, और अरे, एक अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, महिलाएं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप जिस शहर में रहती हैं उस शहर में सब रिजर्वेशन कर दिया जाए, उस शहर के काबिल आदमी जो है वो बाहर बैठे रहे, तथा कैसे तो नाकाबिल लोग आगे वहां काम चलाए, वहां पे अराजकता आ जाए, तो अराजकता ज्यादा श्रेयस्कर है कि हर आदमी को न्याय मिले, ठीक लोग वहां जाएंगे, ठीक काम करेंगे। भाई बोलते हैं कि जिन देशों में विकास हो रहा है वहां क्षमताओं का सम्मान होता है, कहा जाता है इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इंडिया से अभी हाल में कोई मैंने आंकड़ा पढ़ा कि इंडिया में कितने क्षमतावान लोग बाहर चले गए, सेटल कर गए। तो आप देश के विकास को रोक नहीं रहे हो। सर, ये बात से सहमति है मेरी कि कहीं ना कहीं क्षमता पीछे रह रही है, और रिजर्वेशन के कारण लोग वैसे भी आगे आ रहे हैं जो सक्षम लोगों से कम सक्षमता उनके पास। लेकिन सर, ये सरकार के कुछ उन्होंने अपना विचार रख करके ही ऐसा किया होगा, तो मैं सर इसमें इसमें कानून बनाने की क्या जरूरत है? बगैर कानून के भी हो सकता है ना ये? कानून इसलिए बनाए जाते हैं सर ताकि लोग उनका सही तरीके से पालन कर सके, अगर कानून नहीं हो तो पालन नहीं हो सके इसलिए। सारे राजनीतिक दल बोल रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दो, कोई विरोध तो कर नहीं रहा है, तो वो लोग अपने दल में टिकट क्यों नहीं देते 33-33%? क्या जबरदस्ती कम जरूरत है? दोनों आप सब लोग 33-50% तो आप, कौन रोकता है आपको? जब सारे दल एकमत हो कि हमको महिलाओं को रिजर्वेशन 33% मिलना चाहिए, तो भाई जब जी आप टिकट बांटते हो आप दे दो, आप क्यों नहीं देते हो? क्या जरूरत कानून की है? ये एक तरह का दो मुहा संवाद नहीं हो गया है? आप बताइए मेरे को, आप कह रहे हो कानून बनाओ, भैया कानून से क्या हो जाएगा? आप लोग दे दो टिकट सबको 50%, 30%, कौन रोकता है आपको? वो तो देते नहीं हो। तो राजनीतिक प्रक्रिया से जो काम हो सकता है उसके लिए वैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है? तो वैधानिक प्रक्रिया इसलिए बनाई जाती है ना कि लोग उसको पालन अच्छे से कर सके, कहीं उनसे मिस्टेक ना हो,
इस वजह से सर, और वो उनके अंदर अधीन बंधे रहते हैं, इस वजह से मुझे लगता है सर कि बनाए जाते हैं कि कानून में शामिल किया जाता है। और कोई रीजन, और कुछ आपका तर्क है इसमें? सॉरी सर, आप किस शहर से आती हैं? तो मैं भागलपुर, बिहार से भागलपुर से आती हूँ। भागलपुर का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विकास नहीं हो पा रहा है सर, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे रह रही हूँ तो कुछ डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं, यहाँ के लोग भी शिक्षित हो रहे हैं, इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है सर भागलपुर को, और यहाँ पे क्राइम वगैरह भी पहले होते थे पर अब नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है सर कि कितने साल का भागलपुर में डेवलपमेंट है? हो रहा है। कितने साल से मैं भागलपुर में? सर, कितने साल से भागलपुर में है? सर मेरा बर्थ ही यहाँ हुआ है सर। तो जब से बचपन से आप तक कहीं भागलपुर में कितना विकास हुआ है? सर बहुत तेजी से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सर हो रहा है धीरे धीरे। एक अच्छे प्रोसिक्यूशन अफसर के पास क्या खास बात होनी चाहिए? सबसे बड़ी खास बात तो सर उन्हें विधि की जानकारी होनी चाहिए, उनकी क्या राइट है क्या ड्यूटी है उन्हें ये पता होनी चाहिए, और अपनी इन काम को पूरी ईमानदारी से, और कोशिश होनी चाहिए कि केसेस जो है वो पेंडिंग ना हो और जल्दी से केसेस का निपटारा हो सके। आप किसी केस पे प्रोसिक्यूशन अफसर हैं, आपने मुकदमे के बहस के मुकदमे कार्रवाई दौरान पाया कि एफआईआर में कमजोरी है, क्या जी उस एफआईआर की कमजोरी को आप दूर कर सकते हैं? सर, अगर एफआईआर में कमजोरियां हैं तो सॉरी सर, क्या एफआईआर, मान चलिए आप केस चल रहा है, केस के दौरान कोई ऐसा मुद्दा आपके हाथ में आता है जो एफआईआर में नहीं लिखा गया है, क्या उस मुद्दे पर आप आर्गुमेंट कर सकते हैं? उस मुद्दे को आप कहते हैं आगे ले जा सकते हैं? जी सर मैं ले जा सकती हूँ, एफआईआर में जो भी बातें हैं उनको तो मैं लेके नहीं, प्रोसेस एफआईआर में, ये एफआईआर में नहीं है ये। सर लेके जा सकते हैं। अगर एफआईआर में कोई ऐसी बातें रह गई हैं, कोई ऐसे फिर एक्यूज के नाम नहीं है जो होने चाहिए और मुझे बाद में पता चलता है ट्रायल के समय, तो मैं सर सीआरपीसी 311 के तहत मैं वैसे व्यक्ति को समन कर सकती हूँ और करवा सकती हूँ, और उसकी परीक्षा भी अदर व्यक्ति की करवा सकती है सर। सर क्या कहती है आईपीसी 311? 311 कहती है कि साक्ष्यों को समन करने और अन्य व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति है, एपीपी का पावर है सर। क्या मेरा सवाल क्या था? कहती है 311? नहीं, एफआईआर में कोई 311 क्या कहता है, बताइए मेरे को। 311 या ये तो नहीं कहता ना जो आप कह रहे हो। ओरल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? तो बताएं। ये जब सर ट्रायल के दौरान बहस होता है, जब अभियोजन पक्ष भी साक्ष्य दे देते हैं और अभियुक्त पक्ष के द्वारा भी साक्ष्य दे दिया जाता है, तो उन दोनों के बाद बहस शुरू होता है सर, इसी को ओरल आर्गुमेंट कहते हैं। 311 वो सिंपल से बात करता है कि आप जो है आप विटनेस करो और कुछ कहता नहीं है। सर मुझे तो जहां तक तो जानकारी थी सर, तो मुझे ये है कि ट्रायल के दौरान अगर कुछ नए फैक्ट पता चलते हैं तो फिर से वो पर्सन को समन किया जा सकता है, उसका एग्जामिन दोबारा किया जा सकता है सर। आप फिर पढ़िए 311, भारत का संविधान पढ़ा कभी? जी सर, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आप तीन फर्क बताइए। सर फंडामेंटल राइट जो है वो राज्य को बाध्य करती है कि वो उनका पूरा करे, अगर वो नहीं करते तो उन खिलाफ केस भी हो सकता है, रिट फाइल हो सकता है, लेकिन इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसी बात नहीं है सर, वो राज्य का कर्तव्य है कि वो उन कामों को करें।
चलिए दूसरा, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो उसमें हम लोग रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसी नहीं बात है सर। तीसरा सर वो फंडामेंटल राइट हो गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई ऐसी दशा है जब फंडामेंटल राइट देने से कोर्ट इनकार कर दे? जी सर, जब संविधान की आधारभूत ढांचा पे प्रभाव पड़ता हो सर। सवाल फिर सुनिए, कोई ऐसी दशा है कि जब कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट ले जाए तो न्यायालय उसको फंडामेंटल राइट देने से इनकार कर दे, तो व्यक्ति का आधारभूत ढांचे से क्या संबंध है? सॉरी सर, ओके थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यस यू सर। अनु सर, सर सर कस्तूरी, थैंक यू सर। अननेसेसरीली आप स्ट्रेस लेके बैठी हैं। आप स्ट्रेस में हैं? नो सर। नहीं, आपको कैसा लगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है? सर थोड़े से थोड़ी कमी महसूस हुई सर। कहाँ कहाँ पे? शायद सर मैंने क्वेश्चन सही से सुनने की कोशिश नहीं की है, शायद क्वेश्चन कुछ से जवाब मैं कुछ और दे रही थी। यदि आपको नंबर देना हो, यदि आप बोर्ड हो तो कितना नंबर देंगे अभी इसी इंटरव्यू पे, ऐसे ही हाइपोथेटिकली? तो कितनी नंबर तो मिल सकते हैं? कितना? मैं आपको बता दूं, देखिए आप की क्लैरिटी ठीक है लॉ में, लेकिन थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है, आप उसे जरूर करिएगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन, जैसे आपने एक चीज तो डायग्नोस कर लिया है, अभी से डिटेक्ट कर लिया है कि आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं, ठीक है ना? मैंने आपसे सेकेंडरी एविडेंस पूछा था, आप उन कंडीशन को बता रही हैं जहाँ पे दिया जा सकता है, जबकि मेरा क्वेश्चन था कि है क्या, तो आपको सेक्शन 63 पे ही बात कर देना चाहिए था, बात खत्म, कि वहां पे ये काइंड्स हैं जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस है। मैंने आपसे पूछा कि समन ट्रायल और वारंट ट्रायल, तो समन ट्रायल को वारंट ट्रायल में चेंज किया जा सकता है, वारंट ट्रायल को समन ट्रायल में नहीं चेंज किया जा सकता है, ठीक है? इससे क्योंकि वारंट ट्रायल जो होता है वो सीरियस ऑफेंसेस के लिए होते हैं और लॉन्ग प्रोसीडिंग फॉलो किया जाता है वहां पे, ठीक है ना? दूसरी चीज, तीसरा कंडीशन जो है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये बहुत महत्व की नहीं है, 7 grounds था और मैं सिर्फ एक बहुत कॉन्क्रीट आंसर चाहता था कि आप दोनों को आंसर कर दें। मेरा यही मतलब था कि 100 और 103 को मिला करके आप बता दें, 7 conditions वहां पे है, 4 conditions वहां पे है, तो टोटल मैं यही सुनना चाहता था कि 11 हैं आपके पास, ठीक है ना? बस इतना ही आंसर आपको देना था। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपसे पूछा कि अपील जो है, अपील कैसा राइट है, तो आपने बोला लीगल राइट है, तो हमने कहा कि कहाँ कहाँ पे नहीं हो, तो अपील को डिफाइन करिए ना, अपील को थोड़ा सा डिफाइन करिए। अपील इज जस्ट अ कंप्लेंट विच इज मेड टू द हायर कोर्ट्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑर्डर डिग्री विच इज पास बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है? हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हायर कोर्ट में उसके खिलाफ एक कंप्लेंट होती है जो उसकी त्रुटियों को सुधार करने के लिए कर दी जाती है। तो ये जो मामला है, क्या सभी मामले अपीलेबल है? मैंने आपसे यही पूछा था, तो आंसर इज नो। वही मामले जिनका स्टेच्यूट में प्रोविजन किया गया है, तो इसका मतलब ये स्टेच्यूटरी राइट है। मेरा प्रश्न पूछने का मतलब था कि किन किन मामलों में अपील नहीं हो सकती, तो आपको सीधे सीधे 375 और 376 मेंशन कर देना चाहिए था कि पेटी ऑफेंसेस में अपील नहीं हो सकती है, और वो मामले यदि हाई कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ तो 6 महीने से कम का पनिशमेंट है तो वहां नहीं हो सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन ने 3 महीने से कम है तो वहां पे अपील नहीं हो सकती, यानी हर मामले अपीलेबल नहीं होते, ठीक है? वो आप थोड़ा सा देखिएगा। फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि वो कौन सी कंडीशन है जहां पे बेल देना मैंडेटरी होगा, तो आपने सिर्फ एक सेक्शन मेंशन किया, सीआरपीसी में और कई सेक्शन है, जैसे 436 कैपिटल ए है,
67 है, जहां पे मैंडेटरी होता है, जहां पे डिफॉल्ट बेल का कंडीशन आपने सुना हुआ है, इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द 90 or 60 days, ठीक है, तो वहां पे मैंडेटरी हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में भी है। बाकी मुझे जो लग रहा है कि लॉ आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सा ब्रशअप करिए, ठीक है, अच्छी क्लैरिटी है आपकी, ठीक है, थोड़ा सा ब्रशअप करिए और डेफिनेटली यू विल सेलेक्ट। और थोड़ा सा अभी सर भी बताएंगे, आदरणीय सर भी बताएंगे अभी आगे आपको, थोड़ा सा एक्सप्रेशन अपना, थोड़ा सा जो है बहुत आप रोबोटिक बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंट कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि देखिए चेहरा जो है ना वो दो तरीके से दिखता है, एक तो सेंसियरिटी झलक करके आती है बहुत गंभीर टाइप का, और दूसरा कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है चेहरा, ठीक है ना, तो आपका ये दूसरा वाला लग रहा है, थोड़ी सी सर मैं नर्वस थी और नहीं कोई अपना क्वेश्चन आ गए थे तो इस वजह से मैं कुछ काम करूंगी। नहीं, आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, आप चीजों को बता रही हैं, लेकिन थोड़ा सा और इलेबोरेटिव हो जाएगी जब बोर्ड चाहता है आपसे, तो मैंने कंडीशन कंडीशनल बेस की बताया, आपने सही बताया, ठीक है ना, आप चीजों को पकड़ ले रही हैं, थोड़ा सा इलेबोरेशन की जरूरत है, ठीक है ना। थैंक यू सर। सर सॉरी कस्तूरी जी, मेरा पहला सुझाव वो है जो आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है, आप प्रश्न को ध्यान से सुनिए और उसका इलाज क्या है, जब प्रश्न खत्म हो जाए तो उसे दोहराइए मन में, उनके प्रश्न को दोहराना है लास्ट वाला पार्ट को, ठीक है, उसको आप दोहराना शुरू कीजिए, फिर देखिए मजा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से क्या आत्महत्या के प्रयास का दंड के दंड का प्रावधान है, तो आप इतना चीज दोहराइए कि आत्महत्या के प्रयास का दंड का प्रावधान है, ये पहले अपने माइंड में इसको दोहराइए, जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे आप क्वेश्चन को ठीक से समझने लगेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, इसमें 2-3 सेकंड का समय जाता है लेकिन आप अच्छा उत्तर दे पाते हैं, फिर उतने देर आप शांत रहिए, क्वेश्चन खत्म हुआ उसको दोहराया दिमाग में और फिर बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कि एक एक ये मुझे बहुत आई हैव टू बी वेरी ओपन एंड वेरी अनबायस्ड इन सेइंग कि यू आर अ वेरी वेरी रिफाइंड एंड वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर एनी एग्जामिनेशन, ओके, दिस इज माय एब्सोल्युटली इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, या बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही सिंसियर कैंडिडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे, लेकिन इसीलिए बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताने के स्थिति में है कि ये करिए ये करिए, ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि सर ने सही बोला, एक तो ये आपको करना चाहिए, दूसरा आपको जीवन को क्षमा कर देना चाहिए, और आप बहुत अच्छे से समझ रही हैं, मैं जिस गंभीरता से और पूरे उत्तरदायित्व से आपसे कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से, इसको बिल्कुल कैजुअली नहीं कह रहा हूँ, तो आप लेट इट गो, ओके, इट विल हेल्प यू, आपको बहुत फायदा करेगा आपके पर्सनालिटी को और आपकी चीजों को, इट्स ओके, दैट इज द थीम दैट यू शुड फॉलो इन योर लाइफ, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा जो है वो जोवियल और बहुत ही ज्यादा जो है वो एनर्जेटिक रखने का प्रयास कीजिए इंटरव्यू के दौरान, ऑब्वियसली, तो अपने अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, इलेक्ट्रॉल लेना पड़े तो इलेक्ट्रॉल लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छा रखिए, प्रेजेंटेबल रखिए, आई फाइंड इन यू अ वेरी वेरी गुड कैंडिडेट फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ दिस कंट्री, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस दुनिया इस देश के किसी भी एग्जाम के लिए आप एक बहुत ही संजीदा जो है वो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, वो आत्मविश्वास आप बनाए रखिए, और मैं नॉलेज बेस को आपके एक्सेलेंट रेट करता हूँ एक कैंडिडेट के लेवल पे, जो है मैं उनमें से नहीं हूँ कि अननेसेसरीली जो है फिर इस लाइन पे चला जाए, वो तो है ही, उसका तो है ही, जीवन के हर व्यक्ति के अपने संघर्ष और अपनी सीख होती है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको बिल्कुल डायल्यूट नहीं करना चाहता हूँ अपने जो कमेंट्स हैं आपके लिए, इवन अदरवाइज यू आर एन एक्सेलेंट रॉ मटेरियल फॉर एनी सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, बस ठीक है, थोड़ी बहुत जो कई एक मेच्योरिटी और चपलता होती है वो कई बार काम करने के बाद ही आती है, तो अपने जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर, चाहे वो 2009 में एलएलबी करने के बाद तैयारी ही करते रही है, नहीं पास हुए हैं, वो कुछ भी हो, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी वेरी हैप्पी दैट यू ट्राइड एंड यू आर स्टिल ट्राइंग, ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसके बहुत सम्मान करता हूँ और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप हमेशा टच में रहिए हम लोगों के, दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम विल बी देयर टू हेल्प यू, यू आर एक्सेलेंट कैंडिडेट एंड गॉड विल ब्लेस यू, यू मार्क माई वर्ड्स, आप बहुत जीवन में बहुत अच्छा करेंगी, चाहे इस सर्विस में जाए चाहे ना जाए, कहीं भी रहे,
आप जीवन में अच्छा करेंगे। बस मेरी सेकंड सीख याद रखिएगा, फॉरगिव फॉरगिव योर फॉरगिव इट लेट इट गो। गॉड ब्लेस। या जब आपका इंटरव्यू चल रहा था तो आपके तनाव सौर ने मेरी बात थोड़ा पहले कह दी, जो सौर कह रहे वो भी कर्मा भी करना चाहता था, मुझे उस बात को लगा इतने तनाव में क्यों हो। हम लोगों ने पिछले कितने सालों से कितने छात्रों इंटरव्यू किए, आईएएस के किए, पीसीएस के किए, पीसीएसजे के किए, एपीओ का हम लोग पहले बार ये कर रहे हैं। चूंकि हम लोग सोचा कि कोशिश करें उन लोगों को नौकरी प्राप्त हो जो एपीओ के छात्रों को कम मिलती है सुविधाएं, तो हमेशा ये पकड़ में आ जाता है ये छात्र या छात्रा तनाव में क्यों है। तो मैं लगातार ये आपको देख रहा तनाव, तब मुझे ये चीज दिखी कि आपके जीवन में एक विपत्ति आ गई है और यह तनाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। आप आत्मिक रूप से आप निर्भर होना चाह रहे हो, एपीओ की अच्छी नौकरी है, आपकी जिंदगी में एक समस्या आ गई है, वो समस्या आपको आर्थिक रूप से नहीं मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रही है। तो आप उस दौर से बाहर निकलो, आप सब मेरे बच्चे की तरह हो, आप लोग जो भी मेरे पास बच्चा आता है वो मेरा बेटा बेटी होता है, तो हम उससे बात उसी तरह से कहते हैं, ताकि जैसा एक पिता या एक बड़ा भाई कहता है वैसी बात कहते हैं। तो मैं आपको पहली सलाह दूंगा कि आप उससे बाहर निकलो। दूसरा आते हैं थेरेपी पे, अगर आप रन कर सकते हो आप रन करना शुरू करो। मेरे साथ दो लड़कियां रन करती हैं, कैंसर सर्वाइवर है, दोनों को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। आप जानते हो कैंसर होता क्या होता है, वो मेरे पास आई, मैंने उनको रन कराना शुरू किया, दे आर वेरी हैप्पी। अगर आप रन कर सकते हो, मैं शौर को समझाता हूँ, मेरी बात सुनता नहीं है वो, तो अगर आप रन कर सकते हो तो आप रन करना शुरू करो। आप 25 थे, आपको बहुत मानसिक सुकून मिलेगा, एक अलग आपको जिंदगी का आनंद मिलेगा। ये हो गया आपके उस जीवन की बात। दूसरा जो शौर ने कही है बात ठीक है कि आदमी को क्षमा करना चाहिए, क्षमा करने से बहुत फर्क आ जाता है। क्षमा उनको नहीं, आप अपने को ही करोगे। अगर आप उस दौर से बाहर निकलोगे अपने को ही करोगे। अब आते हैं आपके इंटरव्यू कंटेंट पे, आपका लॉ का नॉलेज ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है, दो तीन सवालों का आप आंसर आप भेजे। ये कहा गया कि मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि ये इनइक्वालिटी का नहीं, सब बिल्कुल इक्वालिटी का प्रपोज नहीं करता है, ये राज्य की विफलता है अगर हम बता नहीं पाते। कानून ठीक है, स्थापना में ठीक है। दूसरा सवाल था कि अगर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे तो क्या देश का विकास होगा, ना सर हम विकास की चिंता करते ही नहीं है। अगर कुछ समय के लिए देश पीछे हो जाता, होने दीजिए, सबको समान न्याय मिलना चाहिए। आप जाइए आजादी के आंदोलन में, जब आंदोलन चल रहा था अंग्रेज यही तर्क देते थे कि हम चले जाएंगे अराजकता हो जाएगी, आप लोग काबिल नहीं हो, तो अगर ठीक है आप उसको मेरे हाल को छोड़ दीजिए, जो होगा सो होगा। बोला सर अगर राष्ट्र का विकास कुछ समय के लिए रुक जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको भागीदारी मिलनी चाहिए और सब सीख जाएंगे। तो एक ये बेहतर सवाल बेहतर आंसर था। तीसरा कि महिलाओं को जो आप भागीदारी दे रहे हो तो सारे राजनीतिक दल क्यों नहीं कर। बोला सर राजनीतिक दल फेल हो गए हैं, राजनीतिक प्रक्रिया फेल हो गई है, इसलिए वैधानिक प्रक्रिया में आना पड़ा है, 75 साल तक इंतजार किया गया। कोई भी राजनीतिक दल है अपना नियम बना देते हैं, ऐसा आंसर इस बात कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। बोला सर फेल हो गए, सर विफलता है। मुझे लगा ये अगेंस्ट होगा, मुझे लगा सर ये अगेंस्ट आंसर हो जाएगी सरकार के खिलाफ, तो इसलिए मैं बताओ बताओ अगेंस्ट कैसे होगा, बताओ लेट डिबेट कैसे आएगा अगेंस्ट होगा। भाई फेल तो है ना, 25 इयर्स में आप पहली लोकसभा देखिए, अभी देखिए अभी भी 15% से कम है, पहली लोकसभा में 11% के आसपास थे। बोला सर राजनीति एक हकीकत है कि राजनीतिक प्रक्रिया फेल हो गई है, हम लोग राजनीतिक प्रक्रिया से मदद नहीं कर पाए हैं। जो दल इस प्रस्ताव को लेकर आया है वह दल भी ये काम नहीं कर सका है, और कांग्रेस 95-96 में लेके आई थी। बोलो सर राजनीतिक प्रक्रिया से हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाया है, कारण जो भी हो यह एक वैधानिक प्रक्रिया से आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप में सौम्यता है, आप अच्छी हो, अच्छी बेटी हो, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, आपको आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, हम लोग फिर कोशिश करेंगे। आप हमारे जो भी बच्चा अपने पास आता है उसको हम सोचते हैं आप मेरे टेस्ट में रहो, उसके बाद चॉइस आपकी है, आप टेस्ट में रहना चाहते हो देना चाहते हो। हम हमेशा जो भी बच्चा मेरे पास आता है वो जब तक रहना चाहता है उसके साथ रहते हैं, अपना कोई आर्थिक लक्ष्य तो इसमें है नहीं, हम समाज में लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। अब भागलपुर में आप रहती हो, वहां आपको कौन गाइडेंस देगा जी सर, और इस तरह क्वालिटी गाइडेंस नहीं मिलता जहां पे इतने सीनियर लोग हो, इतने पढ़े लिखे लोग हो। अनु सर कितने साल से पढ़ा रहे हैं, जयसवाल साहब का 25 साल का एक्सपीरियंस है,
जसवाल साहब ने पता है कितने बैच पीसीएसजे को और उस पढ़ाए हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है जो अपनी मदद करता है। सौर आप भी दौड़ना शुरू करो, आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हो? नहीं सर, मैं शुरू करूंगा। तो बेटा ठीक है और सब अच्छा है, अगर आपको लगे दो चीज जोड़ना चाहेंगे सर, खाली दो चीज, पहले आप बोल लें सर, मुझे याद रहेगा, मैं बाद में बोलूंगा। एक तो क्या है कि सारे एस्पायरेंट अपने नाम को लेके, देखिए अपना एक बायोडाटा बनाइए, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका शहर, उस पर जितने सवाल बन सकते हैं आप बना डालिए। जिन सवालों का आंसर नहीं मिलता, यू कम टू अस। मान लो आपके स्कूल का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती हाई स्कूल, आप दयानंद सरस्वती के बारे में जानिए। मान लो आपके स्कूल का नाम है महात्मा गांधी विद्या सेंटर, या आप बेटी हो तो आपके लिए हो सकता है कस्तूरबा गांधी विद्या मंदिर, तो आप कस्तूरबा गांधी के नाम बारे में जानिए। किसी बहुत से स्कूल पतंजलि के नाम पर चलते हैं, तो आपके बायोडाटा में जिनका जिनका नाम आता है। इससे फायदा क्या है कि एक दो तीन सवाल जो आप जानते हो पूछा जा सकता, तैयार रखो ना। आपका इंटरव्यू होगा 15-20 मिनट का, हम लोग इंटरव्यू 1 घंटे जानबूझ के चलाते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा इंडोरेंस आ जाए। 15-20 मिनट ज्यादा नहीं होगा, तो उसको तैयार कर लो। हाँ सर, या थ्री थिंग्स बेटा, एक तो आप ये समझ लें कि वो आप करंट अफेयर्स में कमजोरी थोड़ी है, हाँ मैं भूल गया था ये बताना कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स वगैरह और 10-20 टॉपिक जिन पे बातचीत हो रही है, सर हमेशा इस पर जोर देते हैं कि आप लोग अखबार क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो वो अवश्य है, उसका कोई वो नहीं है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ कहने का, मेरा भी ये कमी रही है अखबार पढ़ने की, और मैं उसकी उसके परिणाम को भोगता हूँ। तो इसलिए आपको मेरी सलाह है, सभी को सलाह है कि अखबार जरूर पढ़िए, चाहे अपेरेंटली आपको लगे कि अरे इससे क्या फायदा, अरे इससे क्या, नहीं नहीं, यू डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ न्यूज़पेपर। तो एक ये दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें, क्योंकि आप वकील, आपने वकालत की हुई है, वकील हैं आप, और आप उसी प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो लीगल परस्पेक्टिव से जरूर चीजों को देखा करिए, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग का परस्पेक्टिव है उससे देखे। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सिंपल कहा गया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस और एक्सक्यूज, यही बात है ना, घूम घुमा के क्यों ऐसा है। सर ने बहुत बढ़िया आपको केस स्टडी दिया कि एक वाकई एक गरीब आदमी जिसने अनजाने में पेड़ काट दिया है, तो उसको कैसे सजा दे सकती है कोर्ट। अब आप ये बता दीजिए कि ये प्रूव कैसे होगा कि अनजाने में था, टेल मी हाउ टू प्रूव दैट इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। प्रोसिक्यूशन कैसे करेगा कि नहीं से मालूम था, नहीं से मालूम, कैन प्रोसिक्यूशन प्रूव इट? दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेशल नॉलेज ना, इतना थोड़ा बहुत लॉ मैंने जो सीखा, कोशिश किया है सीखने की, तो वो तो सिर्फ वो जानता है ना। तो देयर इज इम्पॉसिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ प्रोसिक्यूशन टू डेमोंस्ट्रेट दैट दिस वाज डन विदाउट विद द नॉलेज ऑफ लॉ, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, ये नहीं अलाउ कर सकता सरकार। और फिर मिसयूज का चलो बाद में बात है, लेकिन आप समझे ना, कोर्ट के ही पहला मारिए दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के का विजन, और दूसरा जो है वो कि हमारा लीगल प्रोसीडिंग में क्या दिक्कत आएगा अगर ऐसा बोले तो, ठीक है। और तीसरी बात, मैं आपकी जगह होता तो कई बार कुछ क्वेश्चंस जो है वो सर ने ऐसे ऐसे बढ़िया फुल टॉस दिया है कि ये सब कई बार आते हैं इंटरव्यू में। तो जैसे सर ने आपसे पूछा कि जो है अगर महिलाओं के आरक्षण की बात किया, आरक्षण सामान्य रूप से आरक्षण की बात करें तो वो प्रगति में जो है वो बाधा नहीं बन जाएगा, एकदम यही सवाल किया सर ने। तो आप इसका बोलिए कि सर मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है उसके अनुसार जो है प्रगति का ही हिस्सा है अवसर की समानता, एंड दैट्स इट, यू कैन टेक केयर ऑफ दिस वे आल्सो। तो हमेशा एक्टिव रहिए, आप अगर डल रहेंगे तो वो चपचप चपचप वाला दिमाग नहीं चलेगा। और क्या है ना सर, क्या है, इनको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन है उसको अफर्मेटिव एक्शन कहा गया है। अगर ये स्ट्राइक कर जाता तो काम हो जाता। अगर आप पढ़िए, ये 16(3)(15(3) में कहा गया है कि जो एक्सेप्शन है, इट्स नॉट एक्सेप्शन क्लॉज, इट्स एन अफर्मेटिव एक्शन। जो सौर कह रहे हैं उसी को कॉन्स्टिट्यूशन की लीगल भाषा में कहा गया है। क्या सौर? तो अब आप देखिए ये तो ऐसा कितने लोगों से इनपुट लेंगे तब आप जान पाएंगे कि ये भी पढ़ लेती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ। इसलिए जो सर का सिद्धांत और हम लोग भी जिसको आपको हमेशा बोलते हैं कि वो 20-25 टॉपिक्स रेडी रखिए जिसमें इंडिया में हमेशा बहस होता रहता है भाई, रिजर्वेशन हो गया, एट्रोसिटी एक्ट हो गया, दहेज विरोधी, ये सब इस पर तो हमेशा होता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो 20 टॉपिक्स आपको हमेशा एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि, और जैसे आपने अभी भी बोला
सर आपने बोला कि सर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि राजनीति राजनीतिक तंत्र जो है फेल हुआ है, तभी तो विधेयक का जो है सहारा लिया गया है। और आप देखिए, आप कैसे आप बोल रहे हैं कि ये तो अगेंस्ट हो जाएगा। आपको डिस्टिंक्शन समझना चाहिए कि ये सरकार के अगेंस्ट है कि राजनीतिक तंत्र के अगेंस्ट है, ये तो अलग चीज है। सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल रही है आप। और अगर अपने सिर पर नहीं जिम्मेदारी लेना चाहती है तो सिंपल सा बोलिए कि सरकार को, संसद को लगा होगा कि राजनीतिक तंत्र फेल हो गया है, इसलिए संसद ने विधायक का हो गया काम। तो एकदम शार्प रहिए, शार्प रहिए। लेकिन यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आपका कस्तूरी होगा, आप कस्तूरी देख लो। हम आपके सिलेक्शन को, हम भी चाहते हैं सिलेक्शन आपका हो। अगर आप लगता है आपका मॉक रिपीट करते हैं, हम पूरी ताकत चाहते हैं आप सिलेक्ट हो, तहे दिल से चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक मॉक से, आप इस पहले क्या करो, इस मॉक को आप सुनो, इसका वीडियो देखिए। आप लोग लगता है कि बहुत छोटा काम, हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं तभी जाके हो पाता है। एक पूरी टीम काम करती है। फिर क्या पैनलिस्ट को, हमारे शौर्य के दो अलावा बाकी सारे पैनलिस्ट को ढूंढना पड़ता है। चार चार पांच पांच अफसर है, कोई आता है कोई नहीं आता, तो बड़ा अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा एक टीम लगती है इसमें, तो जरा इसको हम लोगों के एफर्ट को भी आप थोड़ा सा एक्नॉलेज करिए। अपने पास क्या है, सब चार लोग हैं, मैं उस और है, अपने पास दो टीचर है, ओम प्रकाश जी हैं और अनुज जी हैं, और तीन चार आदमी टीम जो काम करती है। तो हम लोग एफर्ट को भी आप अप्रिशिएट करिए, हम लोग कोशिश करते हैं इसके अप्रिशिएशन का एक ही रास्ता है, आप सिंसियर रहिए और कुछ ही चाहिए अपने को। आप सिंसियर रहिए, अगर आप सिंसियर हो गए तो भगवान रिजल्ट देगा ही देगा। तो आप क्या करो, आप इस वीडियो को फिर से सुन लो, उसके बाद आप देखो कि आप लगता है कि आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, लेकिन आप तभी दोबारा आओ मॉक पे जब अपनी कमियों को आप दूर कर लो। ठीक बेटा, ओके, कब इंटरव्यू है आपका कस्तूरी जी? इंटरव्यू कब है आपका? 6 अक्टूबर को। तो समय है, 10 दिन का समय है, करिए मेहनत, टाइम है, टाइम है आपका। हम लोग क्या करते हैं ना, आपका इंटरव्यू 6 अक्टूबर के आसपास करेंगे, 2-3-4 के आसपास करते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सर, प्रणाम सर, ओके, क्रिस्टो, यस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।